आपको रामचंद्र यादव स्टीम इंजन में स्वागत है। आज बहुत दिन के बाद ये काफी लोगों को कमेंट आए थे कि हमको कोई स्टीम इंजन का जनरेटर बनाकर दिखाइए। हमारे पास मशीन भी नहीं थी, तो अब हम ये मशीन लेकर आए हैं। ये काफी कई बार स्टीम बनाते समय कुकर का वो प्रेशर पाइप फट गया था, तो थोड़ा जल भी गए थे हम, तो इसलिए अभी हम प्रेशर मशीन लेकर के आए हैं और इसी मशीन से बनाएंगे। क्योंकि स्टीम बनाने में बहुत डेंजरस होता है, उसके लिए पाइप कॉपर की होना चाहिए और मजबूत कसान से होना चाहिए, और प्लास्टिक की पाइप से स्टीम निकालने का मतलब डेंजरस, खतरनाक। तो हमारी तो सलाह यही है, कोई भी स्टीम इंजन बनाएं तो आप प्रेशर से बना करके तैयार करें, उसके बाद स्टीम से चलाइए। ट्रायल करते समय आप प्रेशर का ही यूज करिए, क्योंकि हवा से यूज करने से अगर कोई पाइप भी फट जाता है तो उससे आपको कोई हानि या नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए बगैर खतरा वाला काम कीजिए। ये हम कंप्रेसर लाए हैं, तो चलो चलते हैं फिर पुराने इंजन देखते हैं कितने बचे कितने सड़ गए। ये हमारे कुछ पुराने पहले हम ये इंजन रखे हैं पहले के, देखते हैं इसमें कौन सा काम करने वाला है कौन नहीं करेगा काम। ये हम पहले तो हम ये इंजन नजदीक मोड़ रहा, कैमरा जरा दिखाओ नजदीक। ये तो सब इसमें जाला वाला लग गया है, 1 साल हो गया लगभग रखे हुए इसको, बहुत खराब हो गया। अब इसको देखते हैं कौन सा चलने लायक है कौन सा नहीं। रे ये तो सब टूटा हुआ पड़ा है लग रहा है, ये तो सब गिर गया इसलिए सब टूट गया। अरे बाप रे, ये जाम भी हो गया, ये चला कर रख दिया गया था तभी से रखा हुआ है इसलिए ये, क्योंकि स्टीम बनाने में इसके अंदर भाप में पानी भी होता है और इसके अंदर ये लोहे का पाइप लगा हुआ है, तो इसलिए इसके अंदर जंग लग करके और ये जाम हो गया। ये तो बेकार हो गया, ये तो चलने लायक नहीं, ये वाल चल रही केवल, ये पिस्टन जाम हो गया और केम जो है केम साफ चल रही है, पिस्टन जाम हो गया काफ़ी, इसलिए इसको तो हटा दीजिए, ये नहीं चल पाएगा। ये लग रहा काम करेगा नहीं, काम हो गया, एक ही नहीं काम करेगा इसको, कहिए उसको देखते हैं। ये तो काम कर रहा है, इस पे जनरेटर बन सकता है, ये अभी भी काम करेगा, इसका जनरेटर बन सकता है। चलो इसको जरा खोल कर ग्रीसिंग करते हैं फिर इस पर काम करते हैं। अब इसी इंजन से जनरेटर बनाएंगे और इसकी वीडियो अब जल्दी ही आएगी। आप हमारे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कर देना आपको अच्छा लगेगा तो, और कोई भी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें और सारे सवालों का जवाब आपको दिया जाएगा, और इससे बनकर जनरेटर आपके सामने जल्दी वीडियो आएगा, आप देखते रहना।